So what's up people, this is Gaurav and you're watching Gaurav's Life. So guys, welcome to another video. तो guys, आज है संडे, तो आज हमने संडे मनाया. सारा दिन सोया मैं, बहुत दिनों से यार नींद नहीं पूरी हुई थी जब से मैं कनाडा से आया था. और वैसे भी यार अब फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं यहाँ के, तो अब रात को चलती है फुल ऑन पबजी गेम. तो रात को भाई तीन तीन साढ़े तीन बजे तक पबजी गेम चलती रहती है. तो भाई तीन चार दिन हो गए, मतलब लास्ट वीक से मैं अच्छे से सोया नहीं था. तो आज संडे सारा दिन रेस्ट की. तो अब है हमारा प्लान क्या है वो मैं बताता हूँ. अभी गाइस आपको पता ही होगा मैं किचन में खड़ा हूँ. तो किचन में आज कुछ अच्छा तीन चीज़ें बन रही हैं गाइस मेरे, मतलब कि लाइक नॉनवेज है आज का दिन का मेन्यू. तो गाइस आज बन रहा है एक फर्स्ट तो ग्रेवी वाला चिकन, यू नो स्पाइसी पंजाबी स्टाइल तड़का. और दूसरे बन रहे हैं खरोड़ा सूप. खरोड़ा सूप आपको पता ही होगा, जो गोट की लेग्स होती हैं उसका सूप बनेगा. और एक है बॉयल्ड चिकन, जो कि बॉयल्ड करके मैं रखूँगा, उसके बाद उसका सैलेड या फिर उसको चिकन सूप बना के, जो रेडीमेड मिलते हैं हमारे यहाँ के सूप नॉर के, उसके अंदर मिक्स करके जो चिकन सूप, मॉन्चो सूप, हॉट एंड सॉल्ट चिकन सूप, वो बन जाएगा उसके लिए. तो तीन चीज़ें हैं. तो अब ये दिखाता हूँ मैं आपको. अभी तो तड़का लग रहा है जो चिकन का, तो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं. तो गाइस ये है चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है. ये तो जाएगा अपने तरी, जो ग्रेवी वाला चिकन बनेगा. तो यहाँ पे सारा सामान मैंने करके रखा हुआ है. ये मैंने टमाटो प्यूरी जिसके अंदर सारी मिर्च अदरक लहसुन सारा मिक्स है. और यहाँ पे लग रहा है हमारा तड़का. और गाइस इसके अंदर है हमारे खरोड़ा, जो खरोड़ा सूप होता है गोट के जो लेग्स होती हैं, ये वो है उसका सूप बनेगा. और गाइस बहुत ही हेल्दी होता है, मतलब कि अगर जो बंदा जिम जाता है वैसे भी अगर इसको पिए ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है ना इसके साथ, मतलब कोई भी मतलब हड्डी टूटी हो, फ्रैक्चर हो, तो उसके लिए तो बहुत ही बेटर है. और यहाँ पे गाइस ये कुकर पड़ा है, इसके अंदर हमारा चिकन बॉयल हो रहा है, तो इसको भी अभी बॉयल करके रखूँगा मैं. तो गाइस अब चलते हैं दूसरी चीज़ की ओर, जो कि लाइक व्लॉगिंग के सेटअप के लिए मैंने मंगवाई है. जैसे ही आपने देखी होगी मेरी वीडियो, अपना GoPro 7 ब्लैक जो मैंने लेके आया था कनाडा से, तो उसके लिए यार मतलब अभी तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा. यहाँ पे जो GoPro का माइक अडाप्टर होता है, तो यहाँ पे Amazon पे भी अवेलेबल नहीं है. तो अगर गाइस आपको कुछ लोगों को पता हो कहाँ से मिलेगा, अगर कहीं अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसका कमेंट बॉक्स में मुझे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए या बता दीजिए, तो ताकि मैं उसको मंगवा सकूँ. उसके बिना यार हेलमेट पे लगाने का सेटअप नहीं हो पा रहा और कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी. तो उसके लिए मैंने दो चीज़ें मंगवाई है GoPro के लिए, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं. तो गाइज़ ये है मेरा पाउच जिसके अंदर मैं सारी अपनी USB वायर्स रखता हूँ. बहुत ही अच्छा बेहतरीन चीज़ है, आपकी सारी वायर्स माइक ये वो सारा इसके अंदर चला जाता है, बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाता है. तो कहीं इधर उधर होने की भी आपको टेंशन नहीं होती कि लाइक मेरी वायर कहाँ चली गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें सारा आप रखो मेंटेन, और जब भी चाहिए आपको जिप खोलो और आपकी चीज़ें इसके पाउच के अंदर आपको अच्छे से अरेंज मिलेगी. तो अभी मैं दिखाता हूँ इसको खोल के. तो गाइस इसकी अब हम जिप खोलते हैं, तो यहाँ से इसकी जिप खुल जाती है पूरी पाउच की, और ये कुछ ऐसा दिखता है. तो इसके अंदर गाइस मेरी सारी मतलब USB की वायर्स हैं जो भी, वो इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं. ये अपना माइक है लवेलियर जो भी है, ये मैंने यहाँ पे एक वो जो ब्लैक कलर की जो टेप होती है वायर को रैप करने के लिए, वो रखी हुई है. तो गाइस ये मैंने मंगवाई थी रोड की TRS अडॉप्टर SC3. तो ये मुझे गाइस अराउंड 1050 की पड़ी है. तो ये है एक छोटी सी वायर जो कि हमारे GoPro के माइक अडॉप्टर के अंदर लगेगी, और इसके आगे हमारा लवेलियर माइक लग जाएगा. तो ये तो मैंने मंगवा लिया था गाइस. तो गाइस वो छोटी सी वायर तो आपने देख ही ली होगी, और मैंने मंगवाया है GoPro के लिए बहुत ही अच्छा 32GB सैंडिक्स का कार्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन है. ये देखिए आप गाइस, इसके साथ आपको अडॉप्टर भी मिलता है और एक छोटा सा कार्ड जो कि 32GB का है. ये मुझे पड़ा है अराउंड 700 का मुझे अमेजोन से पड़ा है.
तो बहुत ही अच्छा है गाइज, इसकी स्पीड अप टू 100 Mbps 667X, और ये A1 है फॉर फास्टर मोबाइल ऐप परफॉर्मेंस, तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा हमारे गोप्रो के लिए। तो ओनली वन थिंग आई एम वेटिंग, लाइक वो जो माइक्रो डॉक्टर होता है तो वो यार मिल जाए कहीं से, कोई भाई मेरा बता दे कि कहाँ से मिलेगा तो मैं उसको बाय कोरियर मंगवा लूँ और आई विल पे फॉर दैट। तो उसके बाद एक और हेलमेट लेना है मुझे, वो हेलमेट पे जो मैं गोप्रो माउंट करूंगा उसके लिए, तो मैंने एमटी का हेलमेट देखा हुआ है, वो जयपुर से लेने जाना है मुझे, तो वो जिस दिन जाऊंगा तो उसका भी ब्लॉग मैं आपको दिखा के बता दूंगा। तो कुछ और सेटअप्स करने हैं मुझे बाइक पे, तो अभी राइड राइड शुरू करनी है, बहुत 2-3 महीने हो गए राइड नहीं करी, तो आप पीछे वो सुन रहे होंगे आप सीटी बज रही है कुकर में, तो हमारा जो है चिकन अभी बॉईल हो रहा है उसकी सीटियां बज रही है, वो कह रहा भाई सीटियां बज रही हैं निकालो मुझे अब, मैं हो गया पूरा जस्ट अ जॉक। तो चलिए गाइस, आज का दिन तो संडे ऐसा रहा, मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या करना है, अभी चिकन बनेगा पूरा फर्स्ट क्लास, तो उसकी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए गाइस, चिकन हो चुका है हमारा रेडी, तो आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर इसका चिकन है और ये इसकी ग्रेवी, काफ़ी अच्छी थिक ग्रेवी बनी है। अल्टीमेट बहुत ही अच्छा बनेगा ये। तो गाइस होप यू लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।